हे गाइस, मैं अविनाश, मेरी इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने इस वीडियो का टॉपिक पढ़ लिया होगा, अंडरस्टैंडिंग द मेगापिक्सल मिथ इन कैमरास। तो मैं इसे मिथ कहूँ, मिसकंसेप्शन कहूँ, या सो कॉल्ड स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने जिस तरह की जो हाइप क्रिएट करके रखी है कि ज़्यादा मेगापिक्सल्स मतलब बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी, तो क्या ऐसा सच में होता है? तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मेगापिक्सल के बारे में बात करने वाले हैं। मेगापिक्सल्स क्या रहते हैं, किस तरह से इनका कंसेप्ट काम करता है, और क्या सच में ज़्यादा मेगापिक्सल्स मतलब ज़्यादा अच्छी इमेज, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो इस वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। मेगापिक्सल का क्या रोल रहता है अगर हम फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं या हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो दोनों में मेगापिक्सल्स का क्या रोल रहता है, पिक्सल काउंट कैसा रहता है, पिक्सल और रेजोल्यूशन का क्या रिलेशन रहता है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आप ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखिए, आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल सकती है। तो आप ये वीडियो स्किप मत कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिए, पूरी वीडियो देखिए। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और टेक वीडियोस आती रहती है प्रोडक्ट्स की, तो अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ऐसे अपडेट्स डालता रहता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मेगापिक्सल की बात करें तो मेगापिक्सल क्या रहता है? बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितने पिक्सल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जो रहता है वो मेगापिक्सल्स रहता है। मेगापिक्सल मतलब 1 मिलियन पिक्सल, और 1 मिलियन आप जानते होंगे, 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स। तो अगर हम 1 मेगापिक्सल की बात कर रहे हैं तो उसमें 10 लाख पिक्सल्स आते हैं। तो आपने सुना होगा आजकल के जो लेटेस्ट कैमराज है उसमें 12 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, किसी किसी स्मार्टफोन्स में 108 मेगापिक्सल के भी कैमराज आ रहे हैं, और कुछ कुछ तो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह 200 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा बट ठीक है, ले लेते हैं, क्या ही होता है। सो Xiaomi 12T Pro 200 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर कर रहा है, Moto H 30 Ultra 200 मेगापिक्सल का कैमरा देता है। 108 मेगापिक्सल की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S22 Ultra है, Vivo V23 Pro है, Redmi Note 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन है, तो काफ़ी सारे फ़ोन से जो 108 मेगापिक्सल का देते हैं, और कुछ कुछ तो भगवान उनको बचाए 200 मेगापिक्सल वालों से, तो 200 मेगापिक्सल का कैमरा देते हैं। तो आप उस तरह से समझ सकते हैं, बेसिकली 1 मिलियन 10 लाख पिक्सल्स, 200 मेगापिक्सल्स मतलब 20 करोड़ पिक्सल्स, 20 करोड़ पिक्सल्स कितने सेंसर के साइज़ पे? तो यहीं पे जो रोल आता है वो आता है सेंसर का। तो आपका स्मार्टफोन का कैमरा जो आपने देखा होगा, आपको एक छोटा सा ग्रिड दिखता है पीछे में, छोटा सा सर्कुलर या रेक्टेंगुलर, आपको स्मार्टफोन में जनरली सर्कुलर कैमरा देखने को मिलता है, छोटा सा पीछे ग्रिड रहता है, उसके पीछे में छोटा सा रेक्टेंगुलर सेंसर रहता है। जी हाँ, कैमरा सेंसर हमेशा रेक्टेंगुलर रहता है। तो वो सेंसर पे जब आपकी लाइट पड़ती है तो वो जो सेंसर बना होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स है स्क्रीन पे, आप जैसे कि देख सकते हैं, तो जितने छोटे 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 पिक्सल्स होते हैं इसमें जब कोई लाइट सेंसर पे आती है लेंस के थ्रू, तो वो जो हर एक पिक्सल वो उस कलर को कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, वो कलर हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट हो सकता है उसकी इमेज की, RGB कलर्स होते हैं, और हर एक पिक्सल में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और ऐसे नंबर ऑफ पिक्सल जो करोड़ों लाखों करोड़ों पिक्सल्स बन के एक इमेज बनती है। सो इस तरह से ये मेगापिक्सल्स और पिक्सल्स से एक इमेज फॉर्म होती है। तो क्या सच में ज़्यादा मेगापिक्सल्स मतलब ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी? जी नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपका सेंसर क्या है, सेंसर साइज़ क्या है, सेंसर की क्वालिटी कैसी है, आपका जो लेंस है लेंस की क्वालिटी कैसी है। तो ये 3-4 फैक्टर्स मिलके एक अच्छी इमेज बनाते हैं, ना कि सिर्फ आपका मेगापिक्सल ज़्यादा होना। हालांकि आपके पास अगर एक ज़्यादा मेगापिक्सल है तो उसमें डिटेल्स ज़्यादा आएंगी, उसमें आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप उस इमेज को कभी क्रॉप करते हैं, सपोज आपने 64 मेगापिक्सल से एक इमेज कैप्चर की है जिसका रेजोल्यूशन कुछ 8000x7000 पिक्सल्स का है, तो आप उसे क्रॉप करेंगे उसको हाफ में भी क्रॉप करेंगे तो भी आपके पास एक 32 मेगापिक्सल की इमेज रह जाएगी। तो ये चीज़ तब यूज़ होती है, ज़्यादा मेगापिक्सल का रोल तब आता है जब आप कुछ इस तरीके की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, जब आप उसको डिजिटली प्रिंट करते हैं या प्रिंट फॉर्म में लेते हैं, जब आप अगर हार्डली 4x6 इंच मतलब कि 10x15 सेंटीमीटर की अगर आप इमेज का प्रिंट आउट लेते हैं तो उसके लिए आपको 12 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ भी इफ़ेक्टिव रहेगी। लेकिन अगर आपका काम कुछ इस तरीके का है कि आपको बड़े वॉल प्रिंट्स निकालने हैं या आपको ज़्यादा प्रिंट्स का काम है और आप अपनी फ़ोटोज़ को प्रिंट करते हैं, हालांकि अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र है तो मैं ये मानता हूँ कि आप अपनी फ़ोटोज़ को प्रिंट नहीं करते होंगे, यूजुअली आप अपने स्मार्टफोन्स में या लैपटॉप्स वगैरह में उसे रखते होंगे, तो वहाँ पर एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा भी
उस चीज़ को, आपकी इमेज को जस्टिस दे देता है। ज़्यादा मेगापिक्सल से सिर्फ फ़ायदा सिर्फ इतना होता है कि जब आप एक इमेज का प्रिंट निकालते हैं तो उसमें आपको ब्लर नहीं देखने को मिलता है और आपके उसमें पिक्सलेट नहीं होती है इमेजेस, और जो इमेजेस की क्वालिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेंसर क्वालिटी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बता चुका है, अगर आपका सेंसर अच्छा है तो आपको एक अच्छी इमेज क्वालिटी मिलेगी, चाहे फिर आपका मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका कैमरा 64 मेगापिक्सल का है या 108 मेगापिक्सल का है लेकिन आपका सेंसर अच्छा नहीं है, उसका सेंसर साइज अच्छा नहीं है, सेंसर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तब आप 108 मेगापिक्सल का भी फ़ोन से फ़ोटो ले लें या 200 मेगापिक्सल के भी फ़ोन से फ़ोटो ले लें, आपको एक अच्छी इमेज नहीं मिलेगी। हालांकि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स भी कुछ इस तरीके से ट्यून करते हैं कि आपको मेगापिक्सल भी एक अच्छा मिल जाए और आपको सेंसर भी एट द सेम टाइम अच्छा मिल जाए, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो पूरा बैलेंस नहीं होता है, इसीलिए आपको उतनी अच्छी इमेजेस नहीं मिलती जिस तरह से आप अपने किसी प्रोफेशनल कैमरा से ले सकते हैं। उसमें भी रोल प्ले होता है सेंसर का, क्योंकि जो आपको कैमरा में सेंसर मिलता है वो बड़ा सेंसर मिलता है, आप स्क्रीन पर जैसे कि देख सकते हैं सेंसर वेरिएशन कैसा रहता है स्मार्टफोन का और कैमरा का। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको तीन स्मार्टफोन्स बताता हूँ। एक एप्पल का है आईफोन 13 प्रो मैक्स, वन प्लस 10 प्रो है और सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा है। तो आईफोन में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, वन प्लस में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा और सैमसंग गैलेक्सी S22 में आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा। ये हो गया मेगापिक्सल्स। अब अगर इनके सेंसर की बात करें, जिस सेंसर पे एक्चुअल इमेज कैप्चर होने वाली है, तो अगर आईफोन के सेंसर की सेंसर साइज की बात करें, सेंसर साइज इंच में कैलकुलेट होता है, तो इसका सेंसर है 1/1.7 इंच, जिसको अगर मैं आपको सेंटीमीटर में बताऊं, ये डायगोनली मेजर होता है, तो 1.49 सेंटीमीटर का आपको सेंसर मिलता है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर का ऐसा डायगोनली आपका सेंसर है आईफोन 13 प्रो मैक्स में जिसके ऊपर इमेज कैप्चर होगी। वही वन प्लस 10 प्रो की बात करें तो ये सेंसर बढ़ के हो जाता है 1.77, और जो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा है उसमें ये सेंसर और बढ़ के हो जाता है 1.90। हाँ, आईफोन 13 प्रो मैक्स में आपको मैं सेंसर बताना रह गया था। आईफोन 13 प्रो मैक्स में सोनी का IMX713 सेंसर देखने को मिलता है, वन प्लस 10 प्रो में सोनी का IMX789 सेंसर देखने को मिलता है और सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में सैमसंग का खुद का ISO7HM3 सेंसर देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रांड्स ने मेगापिक्सल के हिसाब से सेंसर को बढ़ाया है ताकि उसमें अपने को पिक्सल्स को एडजस्ट करते आए और पिक्सल्स एट द सेम टाइम ज़्यादा पिक्सल्स भी आप कैप्चर कर सके और आपका सेंसर भी बढ़ा हो। बट अगर आप यही सोचिए कि अगर आपको ये मेगापिक्सल ज़्यादा मिले और सेंसर आपका छोटा हो, सपोज आपका 1 सेंटीमीटर सिर्फ इतना सा होता है नॉमिनल, अगर आपका 1 सेंटीमीटर का ही सेंसर है और आप उसमें 48 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल की इमेज कैप्चर कर रहे हैं, तब 8000x6000 पिक्सल्स के रेजोल्यूशंस में आपकी जो इमेज कैप्चर होंगी वो बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स में होंगी। हालांकि आपको पिक्सल्स ज़्यादा मिल जाएंगे जब आप उसे क्रॉप करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, बट क्योंकि उस पिक्सल्स में लाइट उतनी प्रॉपर नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि उसका सेंसर छोटा है, तो आपको उसमें एक अच्छी डिटेल्स देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हायर मेगापिक्सल का कैमरा का आपको एडवांटेज तभी मिल सकता है अगर आप डिजिटल प्रिंट्स निकालते हैं, अगर आप उन इमेजेस के प्रिंट्स निकालते हैं, तब आपको अगर ब्लर फ्री प्रिंट्स चाहिए तो आपको डेफिनेटली एक हायर मेगापिक्सल कैमरा से फोटोज़ क्लिक करनी चाहिए, फिर चाहे 64 हो 108 हो। और अगर आप स्मार्टफोन से क्लिक करते हैं तो 12 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब आपको उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ब्रांड्स क्यों देते हैं आप ये सोचते होंगे, तो जी हाँ, ब्रांड्स इस तरह से ही हाइप क्रिएट करते हैं कि उनका स्मार्टफोन सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है क्योंकि उसमें नंबर बड़ा दिखता है। क्योंकि क्या होता है, क्वांटिटी को कभी भी मेज़र करना या बताना या जस्टिफाई करना इजी होता है बजाय की क्वालिटी। सो इसके लिए ब्रांड्स हमेशा नंबर के साथ प्ले करते हैं, 64 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल बजाय की क्वालिटी के बेसिस पे। अगर मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँ, तो अगर आप एक सिर्फ अच्छा कैमरा स्मार्टफोन देख रहे हैं तो आप सबसे पहले उसका सेंसर चेक कीजिए, उसका सेंसर कौन सा है। तो आप सिर्फ इस नोशन में या ब्रांड्स के इस तरह के क्लेम्स में मत जाइए कि ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको इमेजेस में। आप उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग गिमिक से फुल मत बनिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन ढूंढें, तब आप चेक करें कि उसका कैमरा सेंसर साइज क्या है, उसका कैमरा सेंसर कौन सा है। आप हार्डली से गूगल पे सर्च करेंगे विच कैमरा सेंसर इज यूज्ड इन दिस कैमरा, तो आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। जनरली सोनी के सेंसर्स यूज़ होते हैं, सैमसंग के सेंसर्स यूज़ होते हैं, तो आपको सेंसर चेक कीजिए, सेंसर साइज चेक कीजिए। अगर आपको
कुछ भी नहीं समझता है आप हार्ड लेसिक GSM अरेना वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पर आप स्मार्टफोन का नाम डालेंगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। कैमरा मॉड्यूल में जाके आप कैमरा हार्डवेयर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, सेंसर साइज कितना है, कितने मेगापिक्सल का सेंसर है, OIS है, EIS है, क्या है, नहीं मिलता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो जब भी आप कैमरा स्मार्टफोन लेने जाएं या फिर अगर आपके दोस्त आपको आज के बाद बोले कि ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन, तो आप उन्हें बताइए कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, मेगापिक्सल इस तरह से काम नहीं करते। सो आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि मेगापिक्सल का क्या रोल रहता है। और अगली बार से कोई आपको बोले कि ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी, तो आप उन्हें समझाइए कि नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। मेगापिक्सल्स सिर्फ अकेले मेगापिक्सल्स का रोल नहीं रहता है अच्छी इमेज क्वालिटी में, बहुत सारे अलग फैक्टर्स, बहुत सारे और 3-4 फैक्टर्स भी रहते हैं जिनका रोल रहता है एक अच्छी इमेज कैप्चर होने में। और अभी सेंसर की बात निकली है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने एक फ़ोन बहुत टीज होते हुए आजकल सुना होगा, मैं उसकी इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। इसका नाम है Xiaomi 12S Ultra। तो एक स्मार्टफोन आप लोगों ने काफ़ी कहीं पे वेबसाइट्स पे कहीं पे टीजर्स देखे होंगे आपने इसके। तो ये जो कैमरा है इसमें पहली बार अभी तक का सबसे बड़ा 1-inch सेंसर यूज़ हो रहा है। 1 inch आप समझते हैं 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 1 inch का एक सेंसर यूज़ होने वाला है इस स्मार्टफोन कैमरा में, जो कि ऑलमोस्ट नियर टू DSLR कैमरा सेंसर साइज़ का होता है। और इसका सेंसर है IMX सोनी का IMX 989। तो ये 1 inch का सेंसर यूज़ होगा। तो जब आप डेफिनेटली इसमें अगर ब्रांड आपको 108 मेगापिक्सल्स या 200 मेगापिक्सल्स का भी अगर आपको कैमरा दे रहा है तो ये जस्टिफाई होता है, क्योंकि आपको सेंसर उतना बड़ा मिलता है जिसके ऊपर आपकी इमेज कैप्चर होने वाली है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम से स्मार्टफोन खरीदें, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है आप उनका ध्यान रखें एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन फाइंड आउट करने के पहले। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो बोलते हैं कि ज़्यादा मेगापिक्सल्स मतलब ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।